हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोंवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने भारतीय जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 16 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 17वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सूरा का प्रयोग किया जाता था। तो आपको याद रखना है वह है सोत्रामणि। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं, उससे पहले आप उत्तर तैयार करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि ऋग्वेद के अनुसार 10 राग युद्ध किस नदी पर हुआ था। तो आपका उत्तर होगा परुषणी नदी पर। ठीक है, कौन सा युद्ध? 10 राग युद्ध हुआ था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था। तो आपको याद रखना है यह भेजा था बिशन दास को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि वेदों का प्रमुख टीकाकार सैन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। तो आपको याद रखना है यह जुड़ा हुआ था विजयनगर साम्राज्य से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा कैलाशनाथ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध है। तो आपको याद रखना है वह है मैत्रेय। अगला सवाल है कि संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है। तो आपको याद रखना है यह संबंधित है जैन धर्म से। अगला सवाल है कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ठीक है, 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो आपका उत्तर होगा 330 के अनुच्छेद के तहत। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि देश केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। तो आपको याद रखना है यह करता है केरल हाई कोर्ट। तो आपका अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है। तो आपको याद रखना है कानून द्वारा संसद। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है। तो आपका उत्तर होगा 69वां संशोधन। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। तो आपको याद रखना है 20 लाख। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। तो आपका उत्तर होगा पहली अनुसूची। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा केवल राज्यसभा। अगला सवाल है कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो आपको याद रखना है यह है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। तो आपका उत्तर होगा लद्दाख। अगला सवाल है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किस से संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। तो आपका उत्तर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आपका उत्तर होगा फारसी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा न्यायिक समीक्षा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका उत्तर होगा
दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन करता है, तो आपको याद रखना है यह करता है सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्री। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।